Atanga uh, class, hope you all are fine uh, and uh, welcome back to online mod. Uh, as you all know, that this is our last topic, uh, and we have two weeks for uh, online classes. और इन हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को हम जितना जल्दी कवर कर लें ताकि अगर बाकी का टाइम बचता है तो आप उसमें रिवीजन कर सकें जैसा कि पहले हम क्लास में डिस्कस करते रहे हैं हमारे कुछ और टॉपिक्स भी थे बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम क्योंकि हमारे सेमेस्टर शॉर्ट है इसलिए कुछ टॉपिक्स को जो पहले मैंने सोचा हुआ था प्लान किया हुआ था कि उनको मैं करवाऊंगी बट मैंने उन्हें भी अब स्किप कर दिया है और ये हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली ये सिमल्टेनियस इक्वेजन का टॉपिक है और इसको हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास

अब पहले तो हमने ये देखना है कि ये रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल क्या होता है और सेमिलटेनियस इक्वेशन मॉडल क्या होता है एक मैंने मॉडल यहाँ पे लिखा है वाई वन इक्वल टू बीटा वन नॉट प्लस बीटा वन वन एक्स वन प्लस बीटा वन टू एक्स टू प्लस प्लस एप्सनॉन वन फिर वाई टू इक्व टू बीटा टू नॉट प्लस बीटा टू टू एक्स टू प्लस बीटा टू थ्री एक्स थ्री प्लस गैमा टू वन वाई वन प्लस एप्सलॉन टू एंड थर्ड वन इज वाई थ्री बीटा थ्री नॉट प्लस बीटा थ्री वन एक्स वन प्लस बीटा थ्री थ्री एक्स थ्री प्लस गैमा थ्री टू वाई टू प्लस एप्सॉन थ्री सबसे पहले आपके जेन में ये आएगा कि कैसे हमने मॉडल्स लिख लिए कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मॉडल्स को टेकअप किया है और फिर भी अगर याद रखने का कि कैसे हमें पता चलेगा हमने ये इस तरह के ही मॉडल्स लिखने हैं तो ये तो सिंपल जैसे आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिखते हैं विद टू रिग्रेसर्स यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास बीटा टू सेकेंड मॉडल है इसलिए जो ये वन टू थ्री शो कर रहे हैं ये हमारे सबस्क्रिप्ट फॉर इक्वेशन नंबर ये पहली इक्वेशन है तो इसलिए यहाँ पे वन सेकेंड इक्वेशन है तो टू और थर्ड है तो, थर्ड है तो थर्ड आ गया ठीक है और यहाँ पे दो रिग्रेसर्स है तो उस हवाले से हमने ये वन 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 टू लिख लिया उसके बाद बीटा टू नॉट प्लस बीटा टू टू, टू और प्लस बीटा टू थ्री अब यहाँ पे टू वन हमें मिसिंग लग रहा है तो उसके साथ हमने गेमा टू वन वाई वन मतलब हमने एक वाई वन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई होप सो कि ये चीज़ें हम ट्रेडिशनली पढ़ भी चुके हैं और ये चीज़ें लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ी हैं बहुत अच्छी तरह क्लियर होंगी जो लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो राइट right साइड पे होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं तो ये y1 वन यहाँ पे इक्वियन वन में डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि ये रोल प्ले कर रहा है सेकंड एकवन में एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल थर्ड इसी तरह हमने लिखी बीटा थ्री नॉट प्लस बीटा थ्री वन एक्स वन प्लस बीटा थ्री थ्री तो यहाँ पे बीच में थ्री टू मिसिंग है जिसके साथ हमने लिखा गैमा थ्री टू वाई टू प्लस एप्सलॉन थ्री जस्ट हमने क्वेश्चन लिखी है इसका एस सच पीछे कोई आ, इसके कोई थेरी नहीं है कोई आइडिया नहीं है कि ये ही क्यों लिया आप कोई भी इस तरह की एग्जाम्पल ले सकते हो बट हम रिकर्जन्स शो करना चाह रहे थे कि इसमें देखें वाई टू डिपेंड कर रहा है वाई वन पे मीन वाई वन पीछे वाले मॉडल को आप पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी फिर वाई थ्री वाई टू पर डिपेंड कर रहा है तो पूरी चेन एक चल रही है जिसे आप कहते हैं रिकर्सिव की आप पीछे वाली वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो एट दी एंड आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सिस्टम मिल जाएगा सेकेंड uh, है समल्टेनियस इक्वेन मॉडल्स ये यहाँ पे समल्टेनियस इक्वन मॉडल और रिकर्सिव इक्वन मॉडल बहुत कम सा डिफाइन किया हुआ है मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे आपको डिस्कस कर रही हूँ बट आप इसको uh, गुजराती की बुक जो मैंने आप लोगों को सॉफ्ट में दी भी हुई है आप उसमें डिटेल में इसकी डेफिनेशन रिकर्सिव इक्वेजन मॉडल और सिमल्टेनियस इक्वेन मॉडल की डेफिनेशन भी पिक कर सकते हैं बल्कि शॉर्ट ऑफ ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने ये जो मैं टॉपिक्स रेकर से टॉपिक्सन मॉडल मॉडल्स इनकी आपने थ्री टू फोर लाइंस की डेफिनेशन गुजराती no है अपनी एक, uh, sort of आप बनानी है लेकिन मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ कि समिलटेनियस इक्वेशन मॉडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है समेल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स में हम uh, uh, कैसे लिख रहे हैं Y1 प्लस गैमा वन टू वाई टू प्लस एप्सलॉन वन अगर आप थोड़ा सा ही पहली क्वेश्चन को ही कंपेयर करें तो हमें डिफरेंस फील हो रहा है कि रिकर्सिव मीन्स रिकर्जन पीछे की वैल्यू को पुट करना तो इक्वेशन नंबर आपकी टू है उसमें वाई आपने इंट्रोड्यूस करवाया अगर आप वाई वन की ये वाली वैल्यूज पुट करें इसी तरह वाई थ्री में आपने वाई टू को इंट्रोड्यूस करवाया वाई टू का सारा मॉडल ये इसमें पुट होगा और फिर वाई वन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो एट दी एंड आपको सिर्फ बीटाज और एक्स और एप्सलॉन की फॉर्म में मॉडल मिलेगा जबकि यहां पर आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो वाई वन और नेक्स्ट आप फ्यूचर का मॉडल समझे y2 टू नेक्स्ट मॉडल आपने लिया है y2 टू वेरिएबल सॉरी लिया है जबकि यहाँ पे रिकर्सिव पिछला वेरिएबल लिया था सेमटेनियस इक्वेशन मॉडल में जबकि हम क्या करने जा रहे हैं y1 वन डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके अंदर जो है वो y2 एक वो डिपेंड कर रहा है एक और uh, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो कि किसी uh, और सेकेंड इक्वेशन में एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है ठीक हो गया वाई टू इक्व टू बीटा टू नॉट प्लस बीटा टू टू एक्स टू प्लस गेमा टू वन वाई वन प्लस गेमा टू थ्री वाई थ्री प्लस एप्स अब इसमें आप देखिए तो वाई वन भी है एक पिछला भी है लेकिन एक नेक्स्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है हमने तो इससे नेक्स्ट इक्वेशन आप देखें वाई थ्री टू तो बीटा थ्री नॉट प्लस बीटा थ्री वन एक्स वन प्लस बीटा थ्री थ्री एक्स थ्री प्लस गैमा थ्री टू वाई टू प्लस एप्स वन थ्री अब जो डिफरेंस मैं आपको इन मॉडल्स में बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप इन मॉडल्स की वैल्यूज को पुट करते जाएं लेट्स से हम वाई थ्री से स्टार्ट करते हैं वाई वाई थ्री का हमारे पास ये मॉडल है इसमें क्या हम वाई टू की वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई टू की वैल्यू हमारे पास क्या है बीटा टू नॉट प्लस बीटा टू टू एक्स टू प्लस बीटा टू थ्री एक्स थ्री प्लस गैमा टू वन वाई वन प्लस टू अब जरा आप इमेजिन करें क्योंकि अभी यहाँ पे कोई हमारी ट्रेडिशनल क्लास नहीं हो रही कि मैं अगर अदरवाइज आपको मैं लिख के ये सारा पैटर्न शो करती अब आप जब ये मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो जरूर इसको आपके हाथ में आप नोटबुक लें आप पेन लें और इसको जरूर इस तरह ट्राई करेंगे वाई टू की वैल्यू पुट करें और वाई टू की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाला मॉडल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इस मॉडल में y1 आ रहा होगा तो y1 की जब हम एट दी एंड करेंगे तो आपके पास ये सारा मॉडल की फॉर्म में x की फॉर्म में और epsilon 1, 2 टू थ्री फॉर्म में होगा जबकि अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को देखें बच्चे साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को देखें तो यहाँ पे y1 अगर आप y2 की वैल्यू पुट करते हैं तो y2 फर्दर डिपेंड रहा है y3 पे थ्री की वैल्यू पुट करते हैं तो ये फर्दर डिपेंड कर रहा है वाई टू पे मींस ये है इसमें से आप वाई वन वाई टू वाई थ्री को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो इट मींस कि अगर आप देखें तो यहाँ पे तो ये एरर टर्म्स के साथ ये रिलेट भी कर रहा है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर तो पर रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे डिपेंडेंट है तो ये रिलेट भी कर रहे हैं दैट्स वाई हम आ, इसको आगे अगर हम देखें तो ओल एस एज्शन जो हमारी होती है कि रिग्रेसर्स आर अनकोरिलेटेड विद एरर टर्म वो हमारी जो एज्शन है वो फुलफिल नहीं होगी मींस हमारा टॉपिक जो एक न्यू टॉपिक है वो कौन सी एजम्पन की हम वायलेशन देखने जा रहे हैं कि हमारी एजम्पन होती है कि रिग्रेसर्स आर अनकोरिलेटेड विद एरा यहाँ पे रिग्रेसर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट विद टर्म इन दिस केस ये अनकोरिलेटेड नहीं है तो जब ये अनकोरिलेटेड नहीं है तो सेमेंटेनियस इक्वेशन बाइज हमारे पास सेमियस इक्वेशन बाइज हमारे पास आ जाता है और हमारे पास इशू क्रिएट होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आगे हम डिफरेंट एस्टिमेशन के मेथड्स पढ़ेंगे अब मैंने लिखा कि इन मॉडल टू इन इक्वेशन वन टू एंड थ्री पहले देख लें कि मॉडल टू हम किसे कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल है ये मॉडल नंबर वन है मीन्स मॉडल नंबर वन के अंदर तीन तीन इक्वेजन है ना और मॉडल नंबर टू है हमारे पास ये सेमेंटेनियस इक्वेशन सिस्टम

Y2 independent variable के तौर पे रोल प्ले कर रहा है और में है और यहाँ टू जो है वो के साथ -related है जब ये -related है, तो हमारी जो है वो वायलेट हो गई है ओ एल एस एस्टिमेटर्स तो अब क्या होगा कि आपने पहले भी जितने भी हमने वायलेशन पढ़ी हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जब अगर कोई वायलेशन जो है वो अक्कर हो गई है तो क्या उस सिचुएशन में हम ओ एल एस एस्टिमेटर्स को यूज कर सकते हैं या

डिक्रीज नहीं होगा अब आपकी असाइनमेंट में क्या है मॉडल uh, और ये तीन जो अभी तक हमने है, इनकी छोटी छुट छोटी लिखनी है और वो असाइनमेंट आपने सबमिट भी करवानी होगी अच्छा नेक्स्ट देयर कोविडियंस आर नॉन जीरो ऑब्वियसली जब हम कह रहे हैं कि ये को रिलेटेड है को रिलेटेड है तो जो कोविडियंस टर्म होगी एक्स की रिग्रेसर्स की और Uh, आपके एरर टर्म्स की वो अब नॉन जीरो आएगी वैसे हमारी एज्पशन क्या होती है कि रिग्रेसर्स एंड एरर टर्म्स आर एरिटेड का मतलब क्या होता है कि आपकी कोवेरियंस टर्म जो है वो जीरो आएगी बट इन दिस केस वी डोंट हैव टर्म्स एज जीरो बट वी हैव देयर को आर नॉन जीरो वी मे अप्लाई ओ एल एस मेथड बट फॉर दीज मॉडल आर नॉट कंसिस्टेंट हम अप्लाई तो कर सकते हैं वही बात जैसे आपने पहले भी मल्टीकोन ऑटोकोलेशन हेट्रोसारिकसिटी में पढ़ा है कि हम वहाँ पे अप्लाई तो जरूर कर सकते हैं ओएलएस मेथड बट आप देखते हैं कि वहां पे वेरिएंस हमारा लार्ज हो जाता है जिसकी वजह से हम जनरलाइज लीनियर रिग्रेशन मेथड की तरफ जनरलाइज लीज केयर मेथड की तरफ मूव करते हैं हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अप्लाई तो ओ मेथड कर सकते हैं बट फॉर दीज मॉडल्स ओ मेथड्स आर नॉट कंसिस्टेंट एंड ओ एल एस आर नॉट ब्लू और जो आपके एस्टिमेट्स आएंगे वो ब्लू नहीं होंगे वो बेस्ट लीनियर नहीं होंगे बाद हो में, हो में सेकेंड नंबर पे सारी लिखी हमने कहा कि इस तरह की जो इक्वेशंस इस तरह के जो मॉडल्स जो इक्वेशन का सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल और इन मॉडल वन अब मॉडल वन को आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ कि मॉडल वन में हमारे पास क्या था ये मॉडल वन की हम बात कर रहे हैं जो रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल्स हैं हमारे पास कि मॉडल वन में आप अगर देखें इक्वन वन एंड टू वन टू एंड थ्री में तो आप फुलफिल था ओएलएस एजम्पन्स ओ एल एस एज्पन्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड एक्स वैल्यूज एंड एर टर्म्स आर अनकोरलेटेड अब एकदम आपको लगेगा क्यों भाई यहाँ पे अनकोरलेटेड क्यों है जबकि यहाँ पे भी वाई जो है वो आ रहा है कहीं पे इंडिपेंडेंट है और कहीं पे डिपेंडेंट है जैसे वाई वन यहाँ डिपेंडेंट है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट है बट वही बात और वाई में वाई टू इंट्रोड्यूस किया है जबकि वाई डिपेंडेंट है यहाँ पे बट मैंने आपको जो अभी स्टार्ट किया लेक्चर तो आपको मैंने बात बताई कि जब आप वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे और वाई वन की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो एट दी एंड आपके पास जो मॉडल बनेगा वो सारे बीटास और सिंपल एक्स रिग्रेसर्स और एप्सिलॉन की फॉर्म में होगा दैट्स हम कह रहे हैं कि एरर टर्म्स और रिग्रेसर जो हैं वो अनकोरिलेटेड होंगे और अनकोरिलेटेड जब होंगे तो हमारी ओ एल एस की एग्जाम फुलफिल हो रही है जब ओ एल एस की एग्जाम्शन फुलफिल हो रही है सो वी कैन अप्लाई ओ एल एस मेथड टू एस्टिमेट वाई वन वाई टू वाई थ्री और जितने भी आपके बीटर्स होंगे ऑल आर ब्लू ये बेस्ट लीनियर होंगे एंड दिस टाइप ऑफ मॉडल मॉडल इज रिकर्सिव इक्वेशन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पेडल्सियस इक्वेशन मॉडल की डेफिनेशन लिखी हैं बट मैं चाह रही हूँ कि आप गुजराती की बुक से एक और एक अच्छी मतलब हमने पहले पहलेक्वेजन्स uh, को डिस्कस किया फिर डेफिनेशन लिखी आप डेफिनेशन प्लस इक्वेजन्स को एक प्रॉपर वे में डिस्कस करें गुजराती की बुक को रेफर करें और आप एक असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे इसके ऊपर अच्छा जी अब आइडिया आपके जेन में आ गया होगा कि रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल्स और इक्वेशन मॉडल मॉडल्स और रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल्स में तो ओएलएस एल एस सब फुलफिल हो रही हैं इसलिए हमें इसे फर्दर स्टडी करने की जरूरत नहीं है बट हम नेक्स्ट जो फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं वो सेमटेनियस इक्वेशन मॉडल है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कि सेमटेनियस इक्वेशन मॉडल में ओ एल फुलफिल नहीं हो रही तो अब हमें इसको कैसे डील करना है वो चीजें पढ़ने से पहले हमें क्या करना है बेटा हमें छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन देखनी है ये डेफिनेशंस जो हैं ये हमें पता होंगी तो फिर हम समेटेनियस इक्वेशन मॉडल्स को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे फर्स्ट वन इज इंडोजिनियस वेरिएबल्स ये सारी यहां पे मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन नोट डाउन की हुई है अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा पढ़ना चाहें तो आप गुजराती की बुक को रेफर कर सकते हैं दीज आर देरियबल्स वैल्यूज आर डिटर्मेंड बाई ज्वाइंट इंटरक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेजन अब स्ट्रक्चरल इक्वेजन क्या होती हैं ये जो आपके uh, पहले चले मैं ये स्ट्रक्चरल इक्वेजन की डेफिनेशन पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको इंडिजिनियस वेरिएबल दोबारा बताती हूँ स्ट्रक्चुरल इक्वेजन डिफरेंट इक्वेजन ऑफ सामिल्टेनियस इक्वेजन मॉडल आर कार्ड स्ट्रक्चरल इक्वेज एंड पैरामीटर ऑफ स्ट्रक्चरल इक्वेजन आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल पैरामीटर कि आपका ये जो समल्टेनियस इक्वेजन मॉडल्स के अंदर जितनी इक्वेशंस लिखी होती हैं आप इनको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेजन बोलते हैं और इनके पैरामीटर्स को स्ट्रक्चरल पैरामीटर सेकेंड हम कह रहे हैं इंडोजेनियस वेरिएबल्स इंडोजिनियस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप ज्वाइंट इंटरेक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं कर सकते हैं अगर इजी वर्ड में और शॉर्टकट फॉर्म में बताऊं तो जितने भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं दैट इज वाई वन वाई टू वाई थ्री जो लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं वो आपके variables होते हैं, हैं, जिनकी अपनी एक 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 होती है है, वो वो ये आपके कि जितने इंडिजिनस होंगे और उनकी एक प्रॉपर एक इक्वेशन भी होगी और अगर हम एक्सोजिनियस एक इंडोजिनियस एक एक्सोजिनियस वेरिएबल्स मॉडल कि ये मॉडल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बजाय ये आउटसाइड द मॉडल वैल्यूज मिलती हैं तो अगर हम देखें तो आपके जितने भी रिग्रेसर होते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं फिक्स वेरिएबल्स होते हैं और इनकी कोई इक्वेशन भी नहीं होती और आपको पता है फिक्स वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंटर खुद इनकी वैल्यूज को डिफाइन करता है दैट्स वाई वी कॉल दैम फिक्स वेरिएबल्स जिसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है अच्छा जी एक्जोजिनियस वेरिएबल और एक और चीज बताऊं कि एक्जोजिनियस मतलब उसके नेम से ही पता चल रहा है कि एक्सोजिनियस इंडोजिनियस मींस कि इंटरनल कोई चीज है ठीक है इंडोजिनियस कोई इंटरनल चीज है इसकी इंटरनल इंटरक्शन जॉइंट इंटरैक्शन से हम इक्वेज फाइंड करते हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्जोजिनियस की कोई आउटसाइडर चीज है आउटसाइड से हम मॉडल से इसकी वाली इसको डिटर्मिन करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स कि ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स हमारे पास क्या होता है कि व्हेन इंडोजिनियस वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ एक्जिनस वेरिएबल कि जब आप इंडोजिनस वेरिएबल इंडोजिनस वेरिएबल को आप, आप समझें कि जब हम ये सेवेंटेनियस इक्वेशन मॉडल्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो इसमें जो टर्म्स हम यूजुअली इंडोजिनियस वेरिएबल के बजाय हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स कह रहे होते थे एक्जिजिनियस वेरिएबल के बजाय हम इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल्स बोल रहे होते थे तो अब वो टर्मेनोलॉजी हमारी थोड़ी चेंज हो गई है एक न्यू टर्मेनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है दैट इज़ एंडियस वेरिएबल्स आर यूज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल्ड एक्जिजिनियस वेरिएबल्स आर यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वेन इंडिजिनियस वेरिएबल्स मीन जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल दोज आर कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म अच्छा यहाँ पे जस्ट मैंने अभी रिड्यूस फॉर्म लिखी हैं ये बनती कैसे हैं ये अभी हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे इनशाला तो उसमें मैं एक एक चीज ये आपको डिफाइन करूंगी अभी जैसे मैंने लिख दिया वाई वन इक्व टू पाई वन नॉड प्लस पाई वन वन एक्स वन पाई वन अच्छा डिफ्रिशिएट करने के लिए हम अल्फा बीटा के बजाय यहाँ पे एक पाई न्यू हमने पैरामीटर

फिर वही आपके जेन में आएगा कि ये हमने किस तरह से लिखी है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ये जस्ट हमने यहाँ पाइज लिखी है पाई वन नॉट पाई वन वन पाई वन टू पाई वन थ्री तीन आ, रिग्रेसर्स के साथ इक्वेशन लिखी है यहाँ पे आप देखें सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ जस्ट टू आ गया है और कोई डिफरेंस नहीं है थर्ड इक्वेशन है तो यहाँ थ्री आ गया है ये बनती कैसे है इसको अभी हम इनशाला देखेंगे डिटेल में सारी चीजें डिस्कस होंगी अभी तक जो मैंने आपके साथ पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि पहले तो ये कि हम कौन सी वायलेशन को पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हमने ये देखा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज एंडोजन वेरिएबल एक्सीजनियस वेरिएबल स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल सॉरी स्ट्रक्चरल इक्वेजन्स क्या होती हैं सेमटेनियस इक्वेजन्स क्या होते हैं उन सबको डिफाइन करने के बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे अच्छा दीज इक्वेजन्स आर कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स ये जो ऊपर इक्वेजन्स लिखी हुई है इनको हम क्या कहते हैं ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स हैं

रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स फुलफिल दस दस आर ब्लू हम क्या कर रहे हैं कि सामल्टीनियस इक्वन मॉडल को या इक्वेजन्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिड्यूस फॉर्म इक्वेजन्स में कि ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेज में जब कन्वर्ट करेंगे समझें सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जैसे आपने मल्टी क्रिनेलिटी में पढ़ा कि हमने रेमिडियल मयर्स में हम क्या करते थे या हाइड्रोस्कारिटी के रेमिडियल मयर्स में हम क्या करते थे हम ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई कर रहे थे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम कह देते थे कि अब ओ एल एस के इज फुलफिल हो रही है यहां पे भी हम यही करेंगे कि आपकी जो सेमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उसमें हम क्या कर रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मीन्स रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस जब हम बनाएंगे तो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन हमारी ओ एल को फुलफिल कर रही होंगी जब ये फुलफिल कर रही होंगी तो पाइस जो अनोन पैरामीटर्स हैं वो आपके ब्लू होंगे बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर होंगे आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं uh, मैं बाकी चीज़ें डिटेल में आपको कि ये रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन बनती कैसे है ये सारा मटेरियल एक तो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करने जा रही हूँ अगर आप उसको ताकि आपको बार बार एक छोटे छोटे पी देने के बजाय एट दी एंड आपको प्रॉब्लम होता है तो एक ही पी आपको शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैंने असाइनमेंट डिस्कस कर लिया है आपने तीन छोटे छोटे डेफिनेशन रिकर्सिव इक्वेशन मॉडल और सेवनटेनियस इक्वेशन मॉडल और सेवनटीनियस इक्वेशन ये क्या होते हैं इनके बारे में नोट लिखना है और इसको आप बैट द एंड ऑफ दिस वीक जब आपका जब जब जिस जिस क्लास का लास्ट लेक्चर है इस वीक का बनता है थर्ड लेक्चर उसमें आपने सबमिट करना होगा इन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल इन चीज़ों को नूमरिकली सॉल्व करेंगे ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि हम रिड्यूस फॉर्म इक्वेज बनाना और हमने कहा है कि ये एस्टीमेटर्स कंसिस्टेंट नहीं रहते हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एस्टिमेटर्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते दैट इज़ ऑल फॉर टूडे ओके बेटा अल्लाह हाफिज